gonna do when you move? Don't you know I'm never gonna lose? You're just gonna keep up with the crew. Two-step kicking with the groove. I just wanna be the type of dude. Welcome back to another video. Harsh here. Hope you are doing absolutely fine. तो आज बात करने वाला हूँ फोर्ड के बारे में. फोर्ड इंडिया ने अपना, जो आप लोगों को पता ही होगा, फोर्ड इंडिया ने अपना पूरा प्रोडक्शन और जितने भी अपने प्लांट्स सब बंद कर दिए. मतलब फोर्ड ने इंडिया को कम्प्लीटली छोड़ दिया है 100%. तो उसके बाद बात करूंगा. और पर्सनली मेरे को बहुत बुरा लगा इस चीज़ से सुनकर, क्योंकि फोर्ड एक ऐसी कंपनी थी जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी. दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर किया. उन्होंने अपनी बहुत एक स्ट्रांग पोजिशन बनाई थी. बट विद टाइम कुछ फोर्ड गलतियां थी, कुछ कंज्यूमर की गलतियां थी, उसकी वजह से फोर्ड को इंडिया से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. जो उनकी सेल्स फिगर थी वो धीरे धीरे कम लगी थी. और उस वजह से फोर्ड का फाइनल डिसीजन ये आया लास्ट वीक कि वो अपनी प्रोडक्शन इंडिया बंद कर रही है. जो करंट जो भी मॉडल चल रहे हैं वो अब तक है तो बिकेंगे, बाकी नया प्रोडक्शन नया मॉडल कुछ नहीं बनने वाला है. जो आपके पास गाड़ियां हैं फोर्ड की उसकी आपको सर्विस मिलेगी, बट फोर्ड ने कंफर्म नहीं है कब तक मिलेगी. मे बी शायद 3-5 साल मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज्यादा बार आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी और सर्विस में बहुत मुश्किल है. तो सर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फोर्ड के बारे में. फोर्ड ने क्या गलतियां करी, मेरे हिसाब से कुछ गलतियां करी फोर्ड ने. सबसे पहली गलती थी कि उन्होंने इंडियन मार्केट को पिछले 4-5 सालों में सीरियसली नहीं लिया. पिछले 4-5 सालों में जितना भी कॉम्पिटिशन बढ़ा है एमजी की वजह से, किया की वजह से, जितने भी नए ब्रांड्स आए हैं है ना, उनकी वजह से ह्यूंडई ने भी अपना बहुत अच्छा ब्रांड कर दिया है ना. और मेरे हिसाब से फोर्ड की थोड़ी गलती थी कि उन्होंने इंडियन मार्केट को सीरियसली नहीं लिया. जितने भी आप मॉडल्स ले लो किसी में अपग्रेड नहीं लाए. एंडेवर जो इनकी थी उसमें अपग्रेड नहीं लाए, क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी थी, उसके बारे में बात करूंगा. लेकिन इन लोगों की सबसे अच्छी गाड़ी थी फीगो और इकोस्पोर्ट, उसमें इन्होंने कोई मेजर चेंजेस लेके नहीं आया. और इस वजह से मेरे हिसाब से फोर्ड का सबसे बड़ा डाउनफॉल ये था, बिकॉज इंडियन जो मार्केट है वो आपका बेसिकली इसी पॉइंट पे चलता है 10-12-15 लाख के बजट में. और फोर्ड ने अपनी इकोस्पोर्ट बहुत टाइम से वो नहीं की थी, अपडेट नहीं की थी, फेसलिफ्ट नहीं लाए थे. आने वाला था 2021 में, रूमर्स थे कि आएगा फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 और द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, बट अब तो कुछ नहीं आने वाला है. इकोस्पोर्ट जब लॉन्च हुई तो बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत ज्यादा सेल्स हुई, बट विद कॉम्पिटिशन विद सेल्टॉस विद द हेक्टर विद डस्टर हो गई, या मान लो ह्यूंडई वेन्यू क्रेटा हो गई, महिंद्रा की एक्सयूवी 300 हो गई, जितनी भी आपकी बजट की गाड़ी है सब 4 मीटर सेगमेंट, इन्होंने इकोस्पोर्ट की मार्केट शेयर बहुत अच्छे छीन ली. और ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऐसी कंपनी निकल गई है ना, जो कि मेरे को बहुत पसंद थी. नॉट बिकॉज ऑफ द इकोस्पोर्ट मुझे पर्सनली तो पसंद नहीं आती थी है ना, बट टू कार्स फोर्ड की जो मुझे बहुत पसंद थी वो थी फीगो और एक थी एंडेवर. फीगो अभी भी अच्छी गाड़ी थी उस प्राइस पॉइंट के हैच के हिसाब से, बट अपडेट नहीं लाया, फीचर्स ऐड नहीं करे हैं. जो आज के टाइम में कंज्यूमर को जो आपको ह्यूंडई और किया दे रहा है अपनी ह्यूंडई i10 i20 और किया दे रहा है अपनी सोनेट में. उसके बाद जो एंडेवर पे आते हैं, एंडेवर बहुत अच्छी गाड़ी थी, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कार्स थी फोर्ड की, बट वो इसलिए नहीं चली बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस. सबसे पहली चीज फॉर्च्यूनर. मुझे समझ आता इंडियन कंज्यूमर्स कितने बेवकूफ हो सकते हैं कि एंडेवर जैसी अच्छी गाड़ी को छोड़कर उन्होंने फॉर्च्यूनर जैसी घटिया गाड़ी पकड़ी. अब मैं कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं मेरी फॉर्च्यूनर से है ना, अच्छी गाड़ी है, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है ना, बट अगर हम कंपटीशन की बात करें, बिकॉज बेसिकली अगर हम इस प्राइस पॉइंट पर आते हैं तो बेसिकली आपकी सिर्फ 3 कार्स होती है मेरे हिसाब से. एक होती है आपकी फोर्ड की एंडेवर होती है, उसके बाद आपकी आती है एमजी ग्लॉस्टर, फिर आती है आपकी महिंद्रा एल्टुरस G4 और ऑब्वियसली टोयोटा फॉर्च्यूनर. तो उसमें जो बाकी 3 जो गाड़ियां हैं, ग्लॉस्टर एमजी की बहुत कम बिके बिकॉज बहुत सारे लोग करेक्शन थे कि चाइनीज कंपनी की है वो, तो उस प्राइस पॉइंट पे लोग लेते नहीं है. एल्टुरस बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत अच्छे फीचर्स थे, आई बेट सबसे बेस्ट इंटीरियर था आई बिलीव 40 लाख के अंदर सबसे बेस्ट है ना. ग्लॉस्टर ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज्यादा फीचर्स ले आए थे, उसके भी अच्छा था, बट एल्टुरस का बहुत सटल था और बहुत बढ़िया था. एंडेवर ओवरऑल एक बहुत अच्छी गाड़ी थी, एक बिल्कुल रगड बिल्ड गाड़ी थी, बट एक गलती उन्होंने की वो थी इसके इंजन में. क्योंकि जो इनका फोर्ड का ओरिजिनल इंजन आता था एंडेवर में वो था इनका 3.2 लीटर का, उन्होंने इसको गिराकर 2 लीटर का कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी फोर्ड की. इस वजह से ये फोर्ड का हल्का डाउनफॉल हुआ. उसमें आपको 168 PS मिलता जो कि 7-सीटर SUVs में सबसे कम है टिल डेट. आपको एल्टुरस में भी 178 PS मिलता था और फॉर्च्यूनर ऑब्वियसली आपको 200 PS अब मिलने लगा है. तो ये एक गलती थी, उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने इंजन. एंडेवर लानी चाहिए थी नई वाली. फोर्ड ने मार्केट में ज्यादा अपना प्रमोशंस भी नहीं किया अपनी, ज्यादा नए मॉडल्स भी लॉन्च किए जो इंटरनेशनल वेरियंट्स में है ना. और यही था मेरे हिसाब से रीजन कि इन लोगों ने
इन लोगों की जो सेल्स थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। और इंडियन कंज्यूमर बेवकूफ़ है यार ये, मैं खुल के कह सकता हूँ, क्योंकि फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी इसका आई बिलीव इंटीरियर सबसे घटिया है इन चारों गाड़ियों में, एंडेवर, एल्टुरस, ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर, सबसे घटिया है फॉर्च्यूनर का। उसका जो लोग आग बंद कर उठा देते गाड़ी, मुझे नहीं पता क्यों उठा देते ये लोग, है ना। बट हाँ, बिक्री तो बिक्री भाई, अब क्या कर सकते हैं। और टोयोटा भी इसको हल्के में ले लें, चलो ठीक है 46 लाख की गाड़ी दे रहे हैं लोग, 45-46 ऑन रोड, और क्वालिटी में घटिया, बहुत घटिया, मतलब आई बिलीव वन ऑफ द वर्स्ट है ना। और उसके बाद एक बात और है जो कि मेरे को लगती है फोर्ड का, कि उनकी डाउनफॉल में वो किया, एक बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का, वो थी एक इंडियन कंज्यूमर की नीड्स। जब धीरे धीरे टाइम बढ़ा, कंज्यूमर की नीड्स बढ़ने लगी, पहले कंज्यूमर को अच्छी था, अच्छी गाड़ी जो आप कहीं भी चला सको, अब नीड्स बढ़ने लगी, 360 कैमरा हो गया, एडास हो गया, और भी आपके बहुत सारे टेक फीचर, आपकी बड़ी डिस्प्ले हो गई उसके अंदर, सनरूफ हो गई बड़ी सी, है ना, आपको जो जो फीचर्स एक बंदा चाहता है हर गाड़ी में वो मिलने चाहिए थे, और फोर्ड ने वो लिया नहीं सीरियसली। तो वो भी एक रीजन लगता है मेरे को फोर्ड डाउनफॉल का। ओवरऑल एक बहुत अच्छी कंपनी फोर्ड, जैसी अच्छी कंपनी इंडियन मार्केट छोड़ी चली गई, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक हिट है इंडियन कंज्यूमर्स को, क्योंकि फोर्ड जैसी एक कंपनी छोड़नी चाहिए थी। फॉर्चुनर को जो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन दे रही थी वो फोर्ड ही थी, अब फोर्ड भी चली गई तो मुझे लगता क्या ही होगा फॉर्चुनर का, अब तो एक मोनोपोली ऐसी हो गई है फोर्ड की। महिंद्रा ने भी बोला था कि अपने एल्टुरस G4 भी वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, बिकॉज उनके महीने के 10-15-20 यूनिट बिकते हैं ऑल ओवर इंडिया में सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से। तो मेरे को लगता है बाहर का मतलब है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, जो जो लोग कॉमर्स वाले समझ गए होंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कैसे चलता है ना, उनका कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता ज़्यादा। तो यही था यार साली वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो क्या थॉट्स आपको कैसा लगा। मैं तो बहुत अपसेट हूँ यार फोर्ड जाने से, है ना, मतलब फोर्ड ने कहा है मस्टैंग बेचेंगे अभी भी, लेकिन मस्टैंग इज नॉट, इज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ थिंग इन इंडियन मार्केट। अगर फोर्ड की मार्केट की बात करें 5-10-15% होगी मस्टैंग का एरिया, है ना, बट ठीक है जो है यार, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, फोर्ड वापसी वापस आने का उसमें नहीं है। जो उनके प्लांट्स थे वो शायद अभी सेल पे जाने वाले हैं, पता नहीं, आई बिलीव ओला खरीदेगी उनको अपने इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए। तो यही था वीडियो के लिए यार, है ना, चैनल फॉलो करो नहीं किया हो तो, बेल आइकन दबा दो नहीं दबाओ तो, अभी तक मिलता है अगले, बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, मिलता है अगली वीडियो, अगले बाय बाय।